अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम कह सकते हैं एक डिक्लाइनिंग नोट देखा गया है। जो पिछले दो दिन में हमने देखा था सिचुएशन, वो सेंटिमेंट्स जिसमें मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, वहां पे आज दोबारा जो है एक फ्लैट नोट देखा जाता है। मंडे को ऑनवर्ड्स एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, ट्यूजडे एंड वेंसडे कुछ पॉजिटिविटी, कुछ एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई थी, लेकिन सम हाउ ग्रीन परफॉर्मेंस थी। आज के दिन वो दोबारा जो है नंबर्स लूज कर दिए गए हैं। 43,000 के लेवल पर हम आ गए हैं, 3,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ है। लेकिन आज के दिन भी हम कह सकते हैं वही न्यूज़, वही इम्पैक्ट और वही कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक लैक करते हुए दिखाई दिए। इन्वेस्टर्स रिलक्टेंट हैं और क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल नॉइज़ होता है तो उसका एक इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पे, स्टॉक मार्केट पे, तमाम चीज़ों पे आता है। और यही रीज़न है आज भी हमने देखा है इन्वेस्टर्स शाये हैं और वेट कर रहे हैं कोई क्लैरिटी आ जाए। इसके साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए एक मौमा बन गई है। रुपी अगर थोड़ा सा स्टॉप हो जाए या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लक्चुएशन जो नेगेटिव जोन में देखी जा रही है, डिप्रिसिएशन कंप्लीटली देखी जा रही है, उसमें एक पॉज हो जाए तो शायद चीज़ें फिर भी बेहतर हो सकती हैं। इन्वेस्टर्स तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वेट एंड सी की पोजीशन है। और फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन तमाम लोग जो है वो इसलिए भी वेट कर रहे हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट अनाउंस होना है, ताकि ये पोलिटिकल टर्मोइल है वो फिनिश हो जाए और चीज़ें वापस बैलेंस हो जाएँ। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक के वो फीचर्स जिनकी वजह से इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक वॉलेटाइल दिखाई दे रही है। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। डेफिनेटली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी हद तक डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हुए या फिर एक हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक उसमें एक शेकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। आज के दिन हमने थोड़ा सा एक डाउन साइड पर परफॉर्मेंस आते हुए देखी है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कुछ कमी देखी गई है, लेकिन $100 से अबव ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल, जब हम हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल अगर हमने किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो जब ये क्राइसिस आ, देखें यूएई ने क्या डिसाइड किया कि भाई ऑयल रिजर्व्स को ये हमेशा रहने वाले नहीं है, यू नो आफ्टर ए सेंचुरी देयर रिजर्व्स विल बी जीरो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो यू। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंट नहीं रखा और ऑयल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस, द नॉन ऑयल रेवेन्यूज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इन यूएई, जो शेख मोहम्मद ने किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस पे फोकस इतना नहीं किया गया। आज हमारे पास अगर 3 या 4 मेट्रो बस या 5 मेट्रो बस है, हमारे पास आई थिंक 50 मेट्रो बस होने चाहिए। हमारे पास ऑरेंज ट्रेन टाइप के जो जो है वो बहुत सारे होने चाहिए, वो हमने नहीं किया। अब तो खैर हमारे पास डॉलर्स भी नहीं है, लेकिन ये इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सेव $10 billion, $20 billion में से आप $10 billion आराम से आप सेव कर सकते हैं, कि अगर लोग 4 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सिंगापुर में तो एक गाड़ी लेना भी जो है उन्होंने ड्यूटी रखी है 200%, तो अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो 3 करोड़ की गाड़ी मिलती है और 3 साल की परमिट होती है, बिकॉज दे आर डिस्करेजिंग सिटीजन्स टू यू नो बाय कार्स। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जुलाई में हमने लग्जरी कार पे ड्यूटी कम की, लैंड क्रूजर और ये सारी, दैट वाज अ बिग मिस्टेक। फिर उन्होंने रिवर्ट किया फिर दोबारा। तो मैं समझता हूँ कि हमें एवरी सेकेंड न्यू कार दैट यू सी ऑन द रोड टुडे इज़ अ 5 million स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमी इमरजेंसी की ज़रूरत है इस वक्त, ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्क है तो हम है। अगर हम ये सारी पोलिटिकल पार्टीज़ की दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमें तो इकोनॉमी को देखना है। हम इकोनॉमी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी के अलावा हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं एक्सेप्ट इकोनॉमी। राइट आलम साहब, हर चीज़ पर फोकस कर रहे हैं एक्सेप्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी ही हमारी एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आपको याद होगा अभी कुछ अर्से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात को यकीनी बनाया था कि जो जो एम्बेसडर्स हर कंट्री में होंगे वो इकोनॉमिक एम्बेसडर्स होंगे, उनको अपनी इकोनॉमी को किसी ना किसी तरीके से बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई लाहे अमल बनाना होगा। और इसके साथ साथ आपको जिस कंट्री में आप मौजूद होंगे उससे आपको बार्टर सिस्टम या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को ज़्यादा फ़र्क देना होगा। प्लीज़, आई डोंट नो किस पीरियड में हमने इकोनॉमी पे फोकस किया। अब ये इकोनॉमी पे फोकस करने का कौन सा तरीका है कि आप दूसरे मुल्क से कर्ज़ा ले लें और एक वाइट एलिफेंट अपने मुल्क में बना लें। ये मुझे बताइए कि ऑरेंज ट्रेन जो उन्होंने बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स
कर्जा लेके उसको बगैर सब्सिडी के तो आप चला नहीं सकते, आपके लोग उसमें बैठ नहीं सकते। तो इस किस्म की यानी हाई प्रोफाइल और कॉस्टली प्रोजेक्ट के पीछे हम क्यों जाते हैं अगर हमें अपने इकोनॉमी का ख्याल नहीं है? आप उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक बसेस नहीं चला सकते थे जो चाइना में भी चलते हैं, यूरोप के हर कंट्री में चलते हैं, मैंने खुद उसमें सफ़र किया है पुर्तगाल में। जनाब आपको पता होगा, अफरोज आपको पता होगा कि उसने पुर्तगाल में यही बसें चलती हैं। तो आपने ओरिन ट्रेन बनाया, आपने मेट्रो बनाया, इस सब के लिए आपने कर्जे लिए। जो चीज आपके पास सरप्लस है पहले उस पर काम करना चाहिए था। मेरा मतलब ये है ना कि एक जमाने में जब डिस्कस हो रहा था कि मोटरवे बनाए तो कितने लेन का होगा, किसी ने बेनजीर साहबा को ये मशवरा दिया कि जी हमारे मुल्क में 2 लेन मोटरवे काफी है, आप क्यों 4 लेन के बना रहे हैं, 5 लेन के बना रहे हैं, जिसको अब संभालना, जिसको मेंटेन करना हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक नहीं है। हम एक चीज़ बना लेते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हम, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किस ज़माने में इकोनॉमी पे हमने फोकस किया। हमारे सारे आप देख लें कि एक डेलीगेशन जा रहा है जिसकी ज़रूरत 4 बंदों की है, 5 बंदों की, हमारे प्रधान मिनिस्टर 100 बंदे लेके जाते हैं। थे पहले अब तो नहीं थे, अब तो इकोनॉमी उसमें क्लास में थे। मैं तो पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप देख ले, आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, 100 बंदे आप साथ लेके जा रहे हैं। अब ये पिछले 3 साल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जी इकोनॉमी पे फिक्स, ठीक है, एम्बेसडर ने बड़ी कोशिश की है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़े और बड़ी कोशिश की है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले जी। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि एम्बेसडर्स इज पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। अगर आपके सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल नहीं है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर वहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, अगर उनका सरमाया डूब रहा है, तो कहाँ मिलेगा? पॉइंट टेकन, आप क्रिटिक्स तो करना आसान होता है अगर एक हम बात करें, लेकिन किसी चीज़ का सोल्यूशन देना मुश्किल होता है। अफरोज साहब, हम अभी की अगर सिचुएशन देखें, बिल्कुल अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखा गया है, यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मीट करने के लिए, चाहे स्टार्टअप्स का आप नंबर्स देखें, चाहे आप न्यू बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, चाहे वेंचर कैपिटल के साथ ये चीज़ें देखें, तो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चीज़ों को अगर ज़रा तसल्ली से देखें तो आपको एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पैकेजेस हो, पॉलिसीज हो, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? और इसके साथ साथ जो एक इन्फ्लेशन के नंबर्स थ्रू ऑयल प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का पीरियड और उसके बाद ये यूक्रेन वॉर, आई थिंक कोविड के पीरियड में भी पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए NCO CEO एंड उनके चेयरमैन थे असद उमर, डॉक्टर फैसल सुल्तान एंड आर्मी ऑफिसर, कि आज हमारे यहाँ कोई एक भी कल मैं फिगर देख रहा था USA में 476 पीपल डाइड यस्टरडे, आज भी 450 लोग कोविड से मर रहे हैं USA, विच इज़ ओनली हार्डली 50% लेस देन 50% मोर देन आर पॉपुलेशन, हमारी 23 करोड़ है तो उनकी 30 करोड़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, और उसी दौरान क्योंकि हैंडल हमारी इकोनॉमी सफर नहीं की, बल्कि ओवर 80% ऑफ अ कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे हैव रिपोर्टेड हायर अर्निंग्स एंड हायर डिविडेंड्स। यू नो, दिस इज आफ्टर लॉन्ग टाइम कि 80% से ज़्यादा कंपनियां जो ब्लू चिप कंपनीज है, उन्होंने 2021 में फाइनेंशियल ईयर में दे हैव रिपोर्टेड बेटर अर्निंग्स, हायर अर्निंग्स एंड हायर डिविडेंड्स। इसी वजह से ये परचेजिंग पावर क्यों बढ़ा है, हर कोई गाड़ी ले सकता है, या जो मैं इसके खिलाफ इसलिए हूँ कि हम डॉलर्स हमारे जा रहे हैं, लेकिन लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है जब ले सकते हैं ना ये लोग, राइट, अगर लोकली प्रोडक्शन हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, है ना, ऐसा ही है ना, फिर आप खिलाफ नहीं होंगे, बिल्कुल, फिर पेट्रोल की कोई सैंक्शन वगैरह नहीं आप बताएंगे। ये सिर्फ हमें यूक्रेन वॉर की इंटरनेशनल, इट्स नॉट ओनली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती है तो सारी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ती है, जिसमें हम सर कमोडिटीज की बात हो रही है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं प्लीज।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,32,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,340 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड पर 1,924.94 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 97.34 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 102.3। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.5, सेलिंग वॉज 201 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 239 रुपीज, सेलिंग वॉज 241.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 186.25, सेलिंग वॉज 188 रुपीज, चाइनीज यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 49 रुपीज, सेलिंग वॉज 49.6, यूएई दिरहम बाइंग एट 49 रुपीज, सेलिंग वॉज 49.6, कुवैत दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वॉज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली आज ऑयल प्राइस में हम देख रहे हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कल भी था और आज भी दिखाई दे रहा है। अफरोज साहब भी मौजूद हैं, आलम साहब भी मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं। अफरोज साहब, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के ऊपर कमेंट करिएगा प्लीज। वो ये तो देखें, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक प्रोग्राम से पहले आपने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया कि भाई जो पाम ऑयल है या दूसरी प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। अगर ऑयल प्राइस एक्चुअली इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है, दैट्स अ बेंचमार्क, दैट्स अ बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। अगर ऑयल बढ़ेगा तो आपकी एलएनजी भी बढ़ेगी, आपका पाम ऑयल भी बढ़ेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है प्राइसेस उनकी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन पुश होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल एन इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स अभी भी है, आज भी हम देखें इंडिया में गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है, आज हमारे यहाँ आज भी एक इंजन मैन्युफैक्चर नहीं होता है। अच्छा। हम सारे इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दिस इज अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने बताया 106 डॉलर पे ब्रेंट आया, 140 डॉलर तक गया था कुछ हफ्तों पहले, तो ये अल्लाह करे कि ये दोबारा 70 डॉलर पे आ जाए। लेकिन ये हमारे रिजर्व्स जो है, आप देखें ये 5 साल में मुझे याद नहीं पड़ता है कि 20% एक हफ्ते में हमारा रिजर्व्स कम हुआ है, 15 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है लास्ट फ्राइडे। और ये वीकली रिपोर्ट देते हैं स्टेट बैंक, अब कल जो वीक खत्म होगा नेक्स्ट वीक का उनको बताएंगे। तो आई थिंक दिस इज 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट। देखिए इकोनॉमी की लैंग्वेज में एक इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए मिनिमम 3 मंथ्स का इम्पोर्ट होना चाहिए, इम्पोर्ट कवर। 6 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट है, हमारे पास 12 बिलियन डॉलर्स रिजर्व रह गए। 2 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर मीन्स वी आर एट अ डेंजर पॉइंट, जस्ट लाइक श्रीलंका जिनकी ये पोजिशन थी, आज तो 2 महीने से भी खराब हो गया है। अभी भी हम इसलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमी इमरजेंसी, वट एवर सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है कल या वट एवर, आई थिंक दीज पोलिटिकल पार्टीज हैव टू फोकस ऑन चार्टर ऑफ इकोनॉमी रादर देन चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स। राइट, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और हम अक्सर प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को फरोग भी देते हैं और राय भी देते हैं कि खुदारा इन चीज़ों को जो है फोकस किया जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चला जाए। आलम साहब आपके ऊपर आएंगे, यूक्रेन एंड रशिया ऑलरेडी पूरी दुनिया में एक क्रॉनिकल चीज़ है, या पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं एक सेंसिटिव मामला देखा जा रहा है, तो इसके ऊपर बताइए प्लीज़ कि अब जो कि सिचुएशन बन रही है, चाहे वो फूड बास्केट के हवाले से ही हो, कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है? देखें आई डोंट नो, मे बी रशियंस जो है ना, जब उन्होंने हमला किया यूक्रेन पे, शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वो विद इन इट विल बी अ वॉक ओवर, या बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर जो है ना वो सारा कब्जा करके इसको रैप अप कर लेंगे और वापस यानी इस पोजीशन में होंगे कि अपनी तमाम शरायत मने। लेकिन वहाँ पे जो वार की सिचुएशन अब है वो सबको नज़र आ रहा है कि वहाँ जो है वो किस्म का स्टेलमेट सिचुएशन जो है वो पैदा हुए, ना वो कब्जा कर सकते हैं ना वो विड्रा कर सकते हैं, तो ये कितना लंबा चलेगा ये भी दुनिया की सोचने के लिए एक लम्हा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जंग, देखे ना जंग यूक्रेन और रशिया के दरमियान नहीं है, अब जंग जो है वो रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान है, अमेरिका के दरमियान में। इसका मतलब ये है कि पूरा यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वो डिस्टर्ब है और जंग से मुतासिर हो रहा है, और इसी तरीके से अमेरिकन जो है वो उस वहाँ पे अपना जो उनका अकाउंट है उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के साथ। और
मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते अमेरिकन्स के ये इस जंग का कोई जल्दी कोई हल निकालें या बैठ के किसी तरीके से, क्योंकि रशियंस का तो डिमांड शुरू से एक ही है। उन्होंने कहा जी इसको बफर जोन करार दे दो, इसमें मत आओ, न नेटो आए न यूरोपियन यूनियन आ जाए, इट शुड बी अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट। लेकिन वो उनका जिद ये है कि नहीं हम आ जाएं। तो अब ये है कि आइए रशिया के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया, यानी रशियन प्रेसिडेंट के लिए मुश्किल हो गया कि वो कैसे जो है ना वो बैक करके और फिर वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। तो ये जंग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ और वक्त भी ये जंग जो है ना वो जारी रहेगी, और उसका असर इंटरनेशनल इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है वो तो बताया अफरोज़ साहब ने पहले ही। इसमें हर चीज़ महंगी हो रही है। देखें जी, आप यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल की कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर आप उसको ओवरऑल देख लें तो तमाम जो कंट्रीज़ हैं इर्द गिर्द उन सब के इकोनॉमी मुतासर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके ये जंग बंद होते जो आलम इंसानियत के लिए ये बहुत एक नेक किस्म शगुन होगा, क्योंकि लोग मर रहे हैं जी, लोग मर रहे हैं, दुनिया का अमन तबाह हो रहा है। और इसमें जो है ना ये वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। आप समझते हैं कि पीस की तरफ जाना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या किसी कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, सवाल ये होता है कि उनको सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के अलावा किसी चीज को देखना नहीं होता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, 3 साल हो गए इलेक्शंस हुए, उन्होंने कहा जी हम हलफ नहीं उठा थे, ये सही नहीं हुए। मुझे ये बताए कि 1970 के बाद, 1970 के इलेक्शंस के बाद जिसमें आधा मुल्क हमने गंवाया, उसके बाद कौन सा एक इलेक्शन मुझे बताएं जिसके लिए उन्होंने कहा ये फेयर था, हम मानते हैं जी जो रिजल्ट आया मानते हैं। यानी 88 का इलेक्शन वो गलत था, 77 का इलेक्शन गलत था। सर पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ते हम, जो है वो इकोनॉमी के हवाले से बात नहीं, करते हैं। पॉलिटिकल को आप इकोनॉमी से सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है तो तमाम चीजें इंपैक्ट लेती हैं। एग्जैक्टली, मन अदरवाइज आपकी इकोनॉमी टेक ऑफ करने पे आ गई थी। आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कल उसका स्टेटमेंट क्या था, पाकिस्तान की मैशियत ठीक रास्ते पे चल रही है। अगर आप जॉब्स की बात करें तो अभी हिस्टोरिक हाई जॉब्स क्रिएट हुई हैं आप इस गवर्नमेंट के, अगर थोड़े से छोटे से टेन्योर में देखें, 3.5 साल के टेन्योर में, तो काम तो हुआ है। देखें आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं, पहली दफ़ा 30 साल की सर्विस में मैंने पहली दफ़ा ये सुना कि ये जो है ना $40 बिलियन को टच करेंगे। पहली बार 32 साल की सर्विस में मैंने ये सुना कि आपके जो होम रेमिटेंसेज हैं वो 39 और 40 के दरमियान या 41 सर, होम रेमिटेंसेज के लिए वेरी फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया गया रोशन डिजिटल अकाउंट का, इससे पहले कोई ऐसा प्रॉपर चैनल ही मौजूद नहीं था जिसके थ्रू आप जो है वो रेमिट ट्रांसफर करते हैं। और करंट अकाउंट डिफिसिट की बात आपने की, अब देख लें उसको, यानी ये गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तो तकरीबन $25 बिलियन का डिफरेंस है। करंट अकाउंट डिफिसिट आपकी 25 या 30 बिलियन की थी, अफरोज साहब इसकी गवाही देंगे बींग इकोनॉमिस्ट। तो जब अगर इसको आपने कम किया हुआ है, इस कदर कम किया हुआ है कि दुनिया कह रही है कि ठीक है जी उन्होंने बड़ा कम किया हुआ है इसको, तो और इकोनॉमी में आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। ये इकोनॉमी आपकी जो है ना 3 साल में या 5 साल में, इसको 10 साल 15 साल चाहिए मजबूत होने में और अपने पाँव पे खड़े होने में। राइट अफरोज साहब, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो हम आज जरा टॉपिक के अंदर जो हमने सहूलत अकाउंट के बारे में एक डिस्कस करना है वो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सहूलत अकाउंट है क्या और कितना ईजी हो गया है अब सहूलत, नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंट। देखिए ये मैं समझता हूँ कि हमारे फ्रंट लाइन रेगुलेटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ही अच्छा ये प्रपोजल दिया SECP को और SECP में अप्रूव किया इसको। और हमारे पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की तरफ से हमेशा ये प्रपोज किया गया है स्टॉक एक्सचेंज को, SECP को, कि आप ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को जो है उनके बेनिफिट के लिए भी आप जो है वो और ज़्यादा आपको काम करना चाहिए जितना आपने किया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसमें बताऊं कि 8 लाख तक जो है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में,
उसको सिर्फ CNIC देना है और एक सिंपल वन पेजर फॉर्म है, 5 मिनट में वो फॉर्म फिल कर लेगा, उसको CNIC देना है और 8 लाख तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमारा गरीब मुल्क है, 23 करोड़ आबादी, स्मॉल इन्वेस्टर्स ज़्यादा है और दुनिया भर में इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स की वजह से हमारे UIN बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है जो मैं चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज और SEC दोनों इनको देखें। जब आप कहते हैं कि आपसे ये सोर्स ऑफ फंड्स भी नहीं पूछा जाएगा, एंड राइटली कि भाई एक आपने जो सहूलत अकाउंट खोलने के वक्त आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके सिर्फ NIC मांग रहे हैं, तो ये 8 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो सेव कर रहा है हर महीने, अब उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन AML के जो कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, वो 8 लाख वाले अकाउंट में भी अप्लाई होंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता है, 8 लाख से कम के अमाउंट में 8 लाख से कम, 8 लाख से ज्यादा तो कर नहीं सकता है। आज 5 करोड़ की लैंड क्रूजर ले लें कोई पूछने वाला नहीं है, और ये 8 लाख पे ये पूछेंगे कि भाई ये 8 लाख आपके पास आए कैसे। अफरोज साहब, यही मेरा पॉइंट है, इसी वजह से फाइलर और नॉन फाइलर का जो एक तजाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइलर इसीलिए डिस्करेज होते हैं क्योंकि नॉन फाइलर भी वो तमाम पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं जो कि फाइलर टैक्स फाइल करके एंजॉय। बिल्कुल, मैं आपके तवसुब से मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे बोथ फ्रंटलाइन और एपेक्स रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज SEC, कि ये स्मॉल इन्वेस्टर्स पे AML के रेगुलेशंस लागू नहीं होने चाहिए। आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। राइट, कि 8 लाख से कम की अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है या 8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ये अलाउ कर देने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक पैकेज देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन पैकेज भी गुजरा है और उसके अंदर जब क्वेश्चन नहीं हुआ तो 8 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है सर FATF के हवाले से, कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये कानून के अंदर जब लागू होता है FATF पर कहाँ स्टैंड करेगा? ऑलरेडी हम वहाँ पर हैं, ऐसी चीज़ अगर ऐसे पॉइंट रेस करेंगे हम तो वहाँ से कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे? नहीं, देखिए ये मैं इसलिए कह रहा कि ये हम बाकी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये 8 लाख की अमाउंट के लिए कह रहे हैं। ठीक है, 8 लाख की कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता है। बिल्कुल, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की क्यों करेंगे? ये गरीब आदमी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमीर आदमी करते हैं। तो ये इसके लिए, हाँ एग्जैक्टली, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ये बड़े जो इन्वेस्टर्स, अगर तो हमारे तो वैसे ही इतने सख्त कानून है कि हम 25,000 से रुपए से ऊपर तो हम कैश ले ही नहीं सकते हैं। वो कैश पहले बैंक्स में आता है, फिर हमें हर इन्वेस्टमेंट हमें चेक से लेना होता है क्लाइंट से, क्लाइंट से हम कैश तो ले ही नहीं सकते हैं, तो हमारा सारा KYC AML तो सारा बैंक वाले ही कर देते हैं। KYC से तो प्रोपोर्शनल ही होगा ना, ये तो साथ ही है ना दोनों? हाँ, देखिए KYC और AML में फर्क यह है कि AML में ये पूछते हैं कि भाई ये सोर्स ऑफ, आप एविडेंस बताएं ये फंड्स कहाँ से आए। तो अगर कोई आज भी कोई बैंक में जैसे 50 लाख कैश जमा करता है तो बैंकर जो है कस्टमर को सुबह फोन करेंगे, आप बताएं पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, हम तो कैश ले ही नहीं सकते हैं। बैंक इस मुल्क में कैश ले सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स को पाकिस्तान में 200 स्टॉक ब्रोकर्स है, अलाउ ही नहीं है किसी को कि वो क्लाइंट से कैश ले सके। तो हमारे यहाँ तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का यानी आप देखें इज जीरो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि कैश तो अलाउ ही नहीं करता है हमें रेगुलेटर हम ले सके। राइट, कैश अलाउ नहीं करते, लेकिन अब चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ तो आ रही हैं, एटलीस्ट इनकरेज तो किया जा रहा है उन इन्वेस्टर्स को जो सोच भी नहीं सकते थे मार्केट में आने के लिए, एक बोलते थे नहीं बड़ी मुश्किलात हैं, साइन करना पड़ेगा, बहुत इश्यूज हैं, अब कितना ज़्यादा सहूलत हो गई है सर? नहीं, ये सहूलत अकाउंट से, ये जैसा मैंने कहा, अगर ये AML के भी रिक्वायरमेंट हटा दें, अगर कोई स्टूडेंट रोज़ाना अपने हर महीने सेव कर रहा है, या कोई हाउसवाइफ है, हस्बैंड उसको पॉकेट मनी दे रहा है, वो सेव कर रहा है, फिर उसको पूछेंगे भाई ये आप बताएं ये पैसे कहाँ से आए AML में, KYC में नहीं पूछेंगे लेकिन AML में ये पूछ सकते हैं, तो ये AML की रिक्वायरमेंट अगर 8 लाख तक वालों को हटा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। हम सारे स्टॉक ब्रोकर्स इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे और स्मॉल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर स्मॉल इन्वेस्टर्स एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर। राइट, चलें जी, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज की परफॉर्मेंस क्या रही।
लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,111.1 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 44,349.59। एज यू आर सीइंग दैट के ओपनिंग साइड पे मार्केट ने थोड़ा सी परफॉर्मेंस दी थी। लोअर वाज 43,751.75 एंड फाइनली क्लोजर लोअर नोट पे ही देखा जा रहा है 43,786.83, यानी कि 324.27 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 140.82 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 32.46 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू इज ऑलरेडी ड्राई देखी जा रही है। वैल्यू वाइज अगर हम बात करें तो 2 वीक्स हो गए हैं सिंस ये जो थोड़ा सा नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुआ है, वैल्यू बहुत ड्राई देखी जा रही है 4.97 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। जीजीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.33 के इजाफे के साथ 16.5 पे क्लोजर 11.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पेल सेकेंड स्कॉट पे 0.207 का गेन देखा गया 16.55 पे क्लोजर रहा 9.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्ट डे के इलेक्ट्रिक 0.01 का डिक्लाइन 2.9 पे क्लोजर 7.69 का कारोबार रहा। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि थर्ड टीयर स्क्रिप्ट या फिर पेनी स्टॉक्स ही अभी भी लाइमलाइट में देखे जा रहे हैं। आलम साहब भी मौजूद हैं, अफरोज साहब भी मौजूद हैं। आलम साहब के ऊपर आऊंगी। सर अभी जो सिचुएशन देखी जा रही है थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है और खासकर अगर थोड़ा सा बैकफुट हो और इन 3 साल में थोड़ी सी पोजीशंस देखें, चैलेंजेस देखें, उसमें कोविड भी गुजरा है, उसमें और भी चैलेंजेस जैसे ये वार का एक इशू देखा गया। इसके साथ साथ डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस एक्सपोर्ट के नंबर्स डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं और खाली अगर हम सिर्फ ये बात करें कि टेक्सटाइल सेक्टर की तो यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर बहुत परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर ने फिनोमिनल परफॉर्म किया है। तो सर कहाँ देख रहे हैं आप एक्सपोर्ट्स और ख़ासकर ये जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखी जा रही है कितनी इम्पोर्टेंट है ये? देखिए एक्सपोर्ट्स हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट और लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपने इम्पोर्ट्स को भी कम कर लें तो शायद जो है ना हमें फॉरेन एक्सचेंज की जो डिफ़िकल्टीज हैं वो भी पेश ना आए। जी सवाल ये है कि एक्सपोर्ट्स पे इन्होंने 3 साल में बड़ा काम किया और इसको बढ़ाया उन्होंने। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जी पहली बार मैंने तो सुना कि जी 40 बिलियन डॉलर को टच करेंगे बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इस साल के यानी मालियाती साल के आखिर जून तक जो है ना वो। और इसी तरह के होम रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही कोई हवा में नहीं आती, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स और कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो इन्होंने बड़ी मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर्स को काफ़ी सहूलतें दे दी। हमने ये भी देखा कि इवन डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए गैस कम था और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उनको ज़्यादा दिया था, इसलिए कि इनका जो एक्सपोर्ट का जो साइकिल शुरू हुआ है वो रुके नहीं कहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जी अगर आप अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे तो सबसे पहले इकोनॉमी के जरिए कि हमारे जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैं या इवन आवाम के लेवल पे भी जो हमारी आतें बच चुकी हैं उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स की मैंने आपसे बात की, देखें हमें इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ जो है ना 80-80 और 100 के ऊपर जो है ना वज़ीर साहबान हों और वो प्रोविंस में अलहदा हों और फिर सेंटर में अलहदा हों और उनकी तादाद कम भी ना हो। तो इमरान खान साहब ने आते ही तो ऑस्टेरिटी मेजर लिया था। एक छोटी सी मिसाल देने दें, आप वर्ल्ड बैंक से 400 मिलियन डॉलर की कर्जा लेते हैं कि हम अपना एजुकेशन ठीक कर रहे हैं, उसमें और चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ आप कह दें पब्लिक स्कूल्स बना रहे हैं और वो 8-9-10 बड़े अच्छे ग्रांड किस्म के। 2014 की बात है, पैसे मिले आपको, आज तक उन बिल्डिंग में से उन स्कूल में से एक भी कंप्लीट नहीं है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, एक तो मेरे नेटिव टाउन शदाबकोट में है और उसकी जो ईंटें हैं वो भी उखाड़ के लोग ले जा रहे हैं और आपने यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च किया हुआ है, तकलीफ नहीं होती? इस तरह का नाम या मुल्क तो ठीक नहीं होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें पहले एक कौम बनना चाहिए, एक कौम जो अपने मुल्क के लिए, अपनी इज्जत के लिए, ऑनर के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। तो वो कौम पहले हमें बनना चाहिए और हमें जो है ना अपनी सिस्टम में एक फिर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है और डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं,
जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है पिछले 3 साल से, क्या ये डेमोक्रेसी है? या उससे पहले जाएं आप, 2008 में आपने डेमोक्रेसी पे आ गए, आपने एक डिक्टेटर को हटा दिया, जी ये किया वो किया। अब 2008 से लेके आज तक एक ऑनेस्ट आदमी को कहें बैठ के रिव्यू करें उसको, तो उसको दुख नहीं होगा, वो उसको शर्म से अपना सर नहीं झुका के बैठेगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको ठीक करके उसके बाद आप इकोनॉमी की तरफ आ जाएं कि जी इकोनॉमी जो है ना इस तरह नहीं, इट इज अ होलिस्टिक। थोड़े से नॉर्म्स हमें सेट करना पड़ेंगे, थोड़े से रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन्हीं रूल्स को, उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। अफरोज साहब, पॉलिसीज बहुत बात हो रही है तो पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अभी थोड़े से इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुए थे, चाहे हम बात करें अगर प्रोडक्शन के हवाले से या फिर अगर एक्सपोर्ट की, थोड़े से अगर हम ऐसे बात करें कि डॉलर की एप्रिसिएशन हो रही है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है हम एक्सपोर्ट के हवाले से? देखें, जो आलम साहब ने कहा है, आई एम हाईली अमेज के माशाल्लाह इनकी इकोनॉमी पे इतनी अच्छी नॉलेज है। इन्होंने जो बात की कि $40 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट इंशाल्लाह जून ख़त्म होगा होगा, जिसमें $35 बिलियन हमारे गुड्स हैं एंड $5 बिलियन IT है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स आप पिछले 15 साल में देखें $23 बिलियन से ऊपर जा ही नहीं रही, 23 से 24 भी नहीं हो रही थी 15 साल। दिस इज दी ओनली पीरियड, यानी पिछले 10 साल दो टेन्योर्स आप देखें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में $23 बिलियन पे स्टेगनेंट थी, आज वो $40 बिलियन पे हमारी आई है। और एक्सपोर्ट ही आपको बचा सकता है एक्सपोर्ट में, और ये मैं क्रेडिट में कहता हूँ नॉट ओनली गवर्नमेंट दी बोथ द फिस्कल एज वेल एज मॉनिटरी। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हाईली ग्रेजुएट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो उन्होंने टर्फ की फैसिलिटी दी, टेम्पररी इकोनॉमिक फाइनेंस फैसिलिटी, 3% पे टर्फ की फैसिलिटी। मैंने तो कभी 75 साल में नहीं सुना इंडस्ट्रियलिस्ट को कोविड जैसी सिचुएशन में। सर, रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा कॉन्सेप्ट मैंने तो 75 साल में नहीं सुना है कि $4 अरब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज चुके हैं। तो ये इस किस्म के इंसेंटिव्स कोई भी हुकूमत हो, आई डोंट केयर, मतलब किसी भी जो वोटर्स जो भी जिस हुकूमत को लाते हैं, ये हर हुकूमत को ये सारी चीजें, ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, चाहे पॉलिसीज बन गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, पॉलिसीज की आपने एग्जांपल दी है, एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं यानी कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस एप्रिसिएशन में जो डॉलर की हो रही है वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सर? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चलें डेप्रिसिएशन हो रही है रुपी की, एक्सपोर्टर तो फ़ायदा उठाएं। नहीं, देखें एक्सपोर्टर को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो अपना वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उन्होंने ये टर्फ की फैसिलिटी में, मैं देख रहा था कि हमारे जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नहीं समझता हूँ कोई रह गया होगा जिन्होंने, क्योंकि ये देखें ये स्कीम एक्सपोर्टर को दी गई है इंडस्ट्री के लिए कि वो अपना प्लांट कैपेसिटी को इंक्रीज करें, तो हर एक ने इसका बेनिफिट किया है। तो एक्सपोर्टर तो बहुत बेनिफिट, वो खुद को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है, जाहिर है $1 की जो चीज़ ले रहे थे बेच रहे थे आज ₹180 रख रहे हैं। डॉलर को फ्री फ्लोट ही रहना चाहिए, हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन डॉलर कभी आर्टिफिशियल रखेंगे तो आपको एक्सपोर्ट्स आपकी उस मुल्क की नहीं बढ़ सकती। राइट, आर्टिफिशियल नहीं रखना है, हमें फ्री फ्लोट देखना है। सर, पॉलिसी रेट के हवाले से भी एक क्वेश्चन मैं आपसे ही करना चाहूंगी अफरोज साहब, पॉलिसी रेट कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है अब जबकि इन्फ्लेशन भी है, थोड़ा सा रमजान मंथ भी है और हमारे यहाँ होली मंथ आते ही थोड़ा सा वैसे भी बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती है। कल स्टेट बैंक के जो ऑक्शन हुए जिसमें ट्रेजरी बिल्स 3 months, 6 months and 12 months, तो जनरली 12 months इज अ बेंचमार्क, वो 13.3% पे हुए हैं। इंटरेस्ट हमारे 13.3% पे तो पहुंच गया है, हमारा पॉलिसी रेट 10% है, एक्चुअली इसके करीब होना चाहिए। तो इतना तो एक साथ नहीं करेंगे मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि 100 basis points अभी अप्रैल में मीटिंग है, 3rd week of April में। सर, 100 basis points कुछ ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो जाएगा? अग्रेसिव करना होगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और द गवर्नमेंट, इट इज दी अगेन द यूक्रेन वॉर, जिसके ऑयल और बाकी सारे हमारे, इट्स नॉट ओनली ऑयल दैट वी आर इम्पोर्टिंग, वी आर इम्पोर्टिंग LNG,
जहां $5 और $6 पे स्पॉट में प्राइस आ गई थी $35। फेड ने भी पॉलिसी रेट बढ़ाए, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं नहीं, फेड से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये आप देखें कि ट्रेंड तो देखा जाता है इंटरनेशनल, आप देखें कि ये कमोडिटी प्राइसेस यूएसए भी इम्पैक्ट हो रहा है। 40-year हाई इन्फ्लेशन 7.9%, यानी पूरी जनरेशन जो है, एक जनरेशन ने या डेढ़ जनरेशन ने 7.9% इन्फ्लेशन यूएसए में नहीं देखा। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वहाँ 7.9% इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस जो सारी बढ़ी। अच्छा, थोड़ा सा एक अगर आप ऑन अ लाइटर नोट ये भी देखें कि सोशल मीडिया पे थोड़ी सी वीडियोस भी आ रही हैं कि इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में यहाँ पर ये हो गया है, जो चीज़ $100 की थी अब वो $200-$300 की है। तो आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी जो कि हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि ये एक जमानत है या ये एक चीज़ की गवाही है कि वाकई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, पूरी दुनिया में जो है वो यही महंगाई है जो सर उठा रही है। बरोही साहब, यूक्रेन के हवाले से ही बात करूंगी कि इसके रिपरकशंस तो सब जगह आ रहे हैं, चाहे हम बात करें फूड बास्केट के हवाले से या इंपोर्ट बिल्स के हवाले से। सिर्फ पाकिस्तान नहीं फेस कर रहा, पूरी दुनिया फेस कर रही है। तो पॉलिटिकल अब अनसर्टेनिटी के लिए क्या एडवाइस करेंगे, क्या लोगों को ये मैसेज देंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो सेट होनी चाहिए, पूरी दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास कभी नहीं आएगी, चाहे आए। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि हमारी असेंबलियाँ जो हैं वो एक साल बाकी है वो उसको भी कंप्लीट कर लें, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई और ज़्यादा बढ़ेगी। बेहतर ये होगा कि हम लोग इलेक्शन में जाएं, जिसको पब्लिक अवाम नया मैंडेट दे दें वो आकर हुकूमत बनाए। जी, 3 महीने तो आवाम के पास चॉइस होनी चाहिए। 3 महीने तो हम इनकी सुनेंगे, स्लोगन्स लगेंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, कुछ जुलूस भी निकलेंगे, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी जीत के आएगा हुकूमत बनाए और फिर इस मुल्क पे रहम करें हमारे सियासतदान, हमें फिर आराम से रहने दे। राइट, और पॉलिटिकली मैसेज मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं, एक साल तक ये झगड़ा चलता रहेगा। पहले वो चीख रहे थे, फिर दूसरी ग्रुप जो अपोजिशन में आएगा तो वो उनको आराम से हुकूमत करने नहीं देगा। और इनस्टेबिलिटी की जो बात आप कर रहे हैं वो मुल्क में जारी और सारी रहेगी। राइट, अफरोज साहब, रिपरकशंस पूरी दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, मैं यूक्रेन और रशिया के हवाले से स्पेसिफिक मैसेज चाह रही हूँ, नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया को क्या एडवाइस करेंगे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं या खासकर रशिया एंड यूक्रेन के हवाले से? देखिए, इकोनॉमी तो बहुत सारे गरीब ममालिक और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को इम्पेक्ट कर रही है, बट आलम साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनोसेंट लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स। हमारे दुनिया में हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हैं या यूक्रेन में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं, इनोसेंट लाइफ वॉर से ह्यूमन बीइंग्स का लॉस होता है, इससे बड़ा लॉस नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इतने लोग रोज़ाना मर रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं, वो भी हमारी तरह भाई है हमारे, ठीक है हमारे रिलीजन के नहीं है लेकिन ह्यूमन रिलेशन तो है हमारा। Exactly. तो ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह करे कि रशिया पुटिन इन बारे में फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये सोचें कि भाई ये वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। राइट, अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कमेंट चाहूँगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ख़ासकर वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, जो मार्केट जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स का अक्सर ये बात होती है, इस वक्त हमारी मार्केट 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे प्राइस ट्रेड कर रही है, यानी सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि इतनी सस्ती मार्केट है कि अर्निंग्स बढ़ रही है, डिविडेंड्स बढ़ रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल कम हो रहा है। 4 की पी पे 28 मई 1998, अगर आपको याद होगा कि हम जब न्यूक्लियर बने थे और फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज हुए थे, जब वो 4 की पी पे ट्रेड हुआ, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 28 मई 1998, आलम साहब भी उनको डेट याद होगी। और फिर 2008 क्राइसिस था, 2008 जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो यूएसए से शुरू, बिल्कुल पूरी वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हुआ, उस वक्त 4 की पी पे थी, और ये तीसरी दफ़ा है, इससे नीचे तो मार्केट 75 साल में गई नहीं है। तो प्योर जो इन्वेस्टर्स है
दिस इज द बेस्ट पीरियड दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग लास्ट 75 इयर्स. आठ और दस की पी पे हिस्टोरिकल ट्रेड किया है, यानी मार्केट में 100% इंडेक्स का इंक्रीज होने के पोटेंशियल है. पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बहुत है सर. वेल थैंक यू सो मच अफरोज साहब, आप तशरीफ लाए. आलम बरोही साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. आज के दिन हमने यूक्रेन एंड रशिया के हवाले से जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, रिपरकशंस आ रहे हैं या नेगेटिविटी आ रही है, वो हमने डिस्कस की. साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से एक पोलिटिकल नॉइज, और अगर हम रुपी डॉलर पैरिटी को देखें तो ये यहाँ पर कंक्लूड हो रही है. तो इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज. Pakistan, Ramzan, Pakistan.